नमस्कार दोस्तों, अंकित मैजिक एंटरटेनमेंट चैनल पर मैं अंकित आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप कागज की कढ़ाई बना सकते हो, उसमें आप पूरी भजिए कुछ भी तल सकते हो, आपका कागज जलेगा नहीं। यह दोस्तों बहुत बड़ी बात है। इस वीडियो के पीछे मेरा एक उद्देश्य है, जो हमारे देश में ढोंगी पाखंडी बाबा हैं जो भोली भाली जनता को लूटते हैं, उनका पर्दाफाश करना मेरा उद्देश्य है, ताकि हमारे देश के लोग इस विद्या को जान सकें, अपना शोषण न करवाएं। इसलिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। दोस्तों इसमें आपको करना यह है, एक कागज की कढ़ाई बना लीजिए, और कागज की कढ़ाई बना लेने के बाद आपको तीन चीज़ें चाहिए होंगी। उसमें सबसे पहले है पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट, आप लेकर आए, उसके साथ बोलेक्स ले आए, और इनको आप 10-10 ग्राम की मात्रा में लेकर आ सकते हैं, इससे ज़्यादा की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद आपके पास 5-10 ग्राम सफ़ेद नमक होना चाहिए। तीनों चीज़ों का आप लेप बना लीजिए। यदि इसको साधारण भाषा में कहूँ, पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट मतलब कि फिटकड़ी, इसको आप फिटकड़ी कह सकते हैं जो आसानी से उपलब्ध हो जाएगी, और जो बोलेक्स है उसको सुहागा आप कह सकते हैं जो आसानी से उपलब्ध हो जाएगा, और साधारण नमक जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं। इसमें जो फिटकड़ी है वो दो प्रकार की आती है, एक लाल एक सफ़ेद। इसमें लेकिन आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन लाल वाली ज़्यादा असरदार है। तो दोस्तों ये तीनों चीज़ें आप ले लीजिए और इनका लेप बना लीजिए, और लेप बनाने के बाद जो आपने कागज़ की कढ़ाई बनाई है उसमें ऊपर नीचे दोनों तरफ लगा लीजिए, 5-10 मिनट सूख जाने दीजिए। 5-10 मिनट के बाद आप वही लेप दोबारा एक बार फिर लगा लीजिए ऊपर नीचे, और उसमें तेल डाल दीजिए और नीचे गैस जला दीजिए। तेल गरम हो जाएगा और उस गरम तेल में आप जो चाहें वो पका सकते हैं, भजिए या पूरी, आपका कागज जलेगा नहीं, पक्का। लेकिन ये साधारण सी विद्या है, इसके पीछे बस यही है, आप करो या नहीं, ना ही इसमें मेरा कोई लाभ होना ना ही आपका कोई लाभ होना। लेकिन जो व्यक्ति ठगे जाते हैं इन साधारण से चमत्कारों को देखकर, उनका बड़ा ही लाभ होगा। इसलिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। YouTube पर अंकित मैजिक एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर से भी जरूर करें, ताकि ऐसी अन्य वीडियो आप सभी तक जरूर से भी जरूर पहुँचें। लाइक कमेंट करना ना भूलें, ताकि मेरे परिश्रम का कुछ सफल परिणाम हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका अपना अंकित। जय माता दी। प्लीज़ इस साइड दबा देना यार, वो सब्सक्राइब वाला बटन, प्लीज़ प्लीज़।